हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग जो है चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये नीचे की साइड में स्क्रीन टाइम आउट का, स्क्रीन टाइम आउट पर सेलेक्ट करना है। अब स्क्रीन टाइम आउट का पेज ओपन होगा ना, इसमें आपको काफ़ी सारी टाइमिंग दी हुई है, जैसे 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। इनमें से आपका पहले से किसी भी एक ऑप्शन पे आपका पहले से टिक मार्क लगा होगा, जैसे मेरा ये 10 मिनट के सामने वाले सर्कल पे टिक मार्क लगा हुआ है, ठीक है। आप इसे चेंज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इसे 15 सेकंड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये स्क्रीन टाइम आउट चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए नीचे की साइड लिखा हुआ रहा है स्क्रीन टाइम आउट के नीचे, आफ्टर 15 सेकंड ऑफ इनएक्टिविटी। तो ये सेटिंग अब काम कैसे करेगी, 15 सेकंड बाद जो है ना आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब ये देखिए कि हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ऑफ हो गई है जैसे ही 15 सेकंड पूरे हो गए हैं, तो ठीक है। तो ये सेटिंग आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं चेंज करने के बाद। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ना इस सेटिंग को यानी कि स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है स्क्रीन टाइम आउट, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप कर देना है, तो आपको नीचे की साइड में ना स्क्रीन टाइम आउट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर करेंगे ना, तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा ना, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।